सुपरस्टार सिंगर 2 के कल वाले एपिसोड में फिर से पवन अरू की नजदीकियां दिखाई गई। इन्हें एक दूसरे के इतने करीब दिखाया गया कि फिर से बवाल हो सकता है। इस बार तो मेकर्स ने हदें ही पार कर दी हैं। दरअसल इस बार शायशा नाम की कंटेस्टेंट जो अलका जी के गेटअप में आती हैं, वो अलका जी की एक्टिंग भी करती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अलका जी अक्सर पवन अरू की टांग खिंचाई करती रहती हैं। कभी कभी पवन अरू को वो ऐसा चैलेंज दे देती हैं कि पवन अरू शॉक्ड रह जाते हैं, कांपने लगते हैं और इन्हें चैलेंज करना ही पड़ता है। इनका कपल वाला वीडियो तो आप देख ही चुके हैं कि एक बार बच्चे की शर्त की वजह से पवन अरू के एक दूसरे की बाहों में आकर कपल डांस करना पड़ा था। उस दौरान अर्ता के चेहरे पर घबराहट साफ देखी गई थी। वो पवन का हाथ पकड़ने में भी कांप रही थी कि फिर से पवन अरू के सामने कुछ ऐसी ही शर्त रख दी गई। दरअसल इस बार के एपिसोड में जैसे ही बोला गया कि आपको ये कंटेस्टेंट एलिमिनेट होने वाला है, मतलब वो शो छोड़कर आज ही चला जाएगा, तो सभी के होश उड़ जाते हैं, सभी इमोशनल हो जाते हैं। पवन अरू एक दूसरे को घबराहट भरी नजरों से देखने लगते हैं। तभी हिमेश रेशमिया कहते हैं कि ये सब मजाक था, मतलब इस हफ्ते कोई कहीं नहीं जाने वाला, बल्कि अगले हफ्ते हम नहीं रोक पाएंगे, कौन जाने वाला है ये भी जल्दी पता चल जाएगा। हो सकता है कि पवन के पटाखे यानी ऋतु राज एलिमिनेट हो जाएं। मैं इस बीच शायशा ने भी मजाक किया, उन्होंने कहा कि पवन भैया क्या पता मैं ही एलिमिनेट हो जाऊं, तो मैं चाहती हूं कि इस बार आप अर्पिता दीदी के साथ रोमांटिक डांस करें। शायशा के कहने पर पवन अरू एक बार फिर एक दूसरे के करीब आए, रोमांटिक डांस करते हैं और सब इन्हें प्यार भरी नजरों से देखते हैं। तो आपको इनका ये डांस कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। सिंगर पवनदीप राजन की जिंदगी में बहुत बदलाव आ चुके हैं। आज पवनदीप राजन काफी ऊंचाइयों तक जरूर पहुंच चुके हैं, लेकिन वो उन लोगों का शुक्रिया करना बिल्कुल नहीं भूलते हैं जिनकी वजह से आज वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं। पवनदीप अपनी सफलता के पीछे अपने पापा और माँ का हाथ मानते हैं। बेशक बच्चे को आगे बढ़ाने में पहला हक उनके माता पिता और टीचर का ही होता है, पवनदीप की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही रहा और काफी टाइम से पवन अरुणिता के साथ भी खूब सुर्खियों में। पवन अरुणिता दोनों एक दूसरे की वजह से हमेशा लाइमलाइट में बने रहते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत खास भी कहे जाते हैं। लेकिन पवन की जिंदगी में अरुणिता आई उससे पहले उनकी जिंदगी में कोई और भी खास था, और वो खास उनका गिटार है। जी हाँ, पवन को बचपन से ही म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से लगाव रहा है और आज उन्होंने अपने नए गिटार की फोटो भी शेयर की है। पवन ने उसी गिटार की फोटो शेयर की है जिसे उन्होंने कुछ दिन पहले ही खरीदा था। याद हो आपको, हाल ही में पवनदीप एक गिटार की दुकान में नजर आए थे। वो शॉप में गिटार बजा कर देख रहे थे और फिर उन्होंने एक बढ़िया सा गिटार खरीदा था, और कल अहमदाबाद वाली परफॉर्मेंस में पवन ने उसी गिटार से सबका दिल जीत लिया। जी हाँ, पवन ने कल शो में खूब गिटार बजाया। पवन ने अपने इस नए गिटार को बड़े स्टाइल से रख कर उसका फोटो शूट किया है, जिसकी पिक्चर पवनदीप ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की है। पवनदीप की इंस्टाग्राम स्टोरी में गिटार की फोटो लगी है जो बहुत प्यारा लग रहा है। पवनदीप का कहना है कि ये सब ही मेरी जिंदगी है और हमेशा मैं इनके साथ रहना चाहता हूँ। मैं आपको बता दे, पवनदीप के इस हुनर को अरुणिता भी सीख रही है। अरुणिता को जैसे ही मौका मिलता है वो पवनदीप के साथ कभी पियानो बजाना सीखती हैं तो कभी गिटार बजाना सीखती हैं। भला आप पवन के इस पुराने प्यार के लिए क्या कहना चाहेंगे? सुपरस्टार सिंगर 2 के आज के एपिसोड में कयामत आने वाली है, जब गोविंदा, चंकी पांडे और सभी जजेस एक मंच पर इकट्ठा होंगे और एक साथ एंट्री करेंगे। पवन अरुणिता, दानिश, राइलिस, सलमान और सभी छोटे उस्ताद इनका स्वागत करेंगे। इनके अलावा इस बार के शो में एक अलग ही कहानी दिखाई जाएगी, एक दूसरे के मोहल्ले का हाल बताया जाएगा। जी हाँ, अलका जी और हिमेश रेशमिया एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, तो ऐसे में अलका जी और हिमेश रेशमिया भी एक दूसरे के बारे में कई किस्से जानते हैं और आज के एपिसोड में ये दोनों एक दूसरे के खुलासे करेंगे। वहीं पवनदीप और अरुणिता के भी कई खुलासे होने वाले हैं। सभी कंटेस्टेंट के मोहल्ले में जाकर उनके बारे में जवाब सवाल पूछा जाएगा। जब अरुणिता को पवन के मोहल्ले का राज पता चलेगा, उनके मोहल्ले के लोग पवन के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे कि अरुणिता हंस हंस कर लोटपोट हो जाएंगी। उन्हें पता ही नहीं चलता है कि वो मंच पर हैं या फिर घर में हैं। अरुणिता इतनी बुरी तरह से हंस रही हैं कि लोग उन्हीं को ही देखे जाने। न जाने ऐसी कौन सी बात अरुणिता को पता चलती है कि वो हंसी से पागल हो जाती हैं। अरुणिता इस तरह से हंसती नजर आ रही हैं कि लोग उनसे नजरें हटा ही नहीं पा रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि पवन की बातों को अरुणिता कितनी दिलचस्पी से सुनती हैं। पवन अरू के फैंस के लिए एक बड़ी ही खुशखबरी है। पवन अरू बहुत जल्द अपने फैंस की डिमांड पर एक साथ नजर आने वाले हैं। जी हाँ, पवन अरू ने एक साथ दो गाने रिकॉर्ड करवा लिए हैं। पहला गाना अनु मलिक के भाई अबू मलिक के साथ और दूसरा सुजाव खान साहब के साथ।
जिसकी वीडियोस बहुत जल्द सामने आने वाली है। गाने में एक्टिंग करेंगे कि नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन वीडियो वर्जन इनका जरूर आने वाला है। लेटेस्ट सॉन्ग की कुछ वीडियो सामने आ चुके हैं जिसमें पवन अरू ने अपने फैंस को बड़ी अपडेट दी है। जी हाँ, कल पवन अरू पहले तो अपने एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गए, उसके बाद ये दोनों अनु मलिक के भाई अबू मलिक से मिलते हैं, जिनके स्टूडियो में पवन अरू ने गाना रिकॉर्ड करवाया। अबू मलिक ने पवन अरू के साथ एक फोटो शेयर की है जिसमें उन्होंने लिखा है, पवन अरू आप दोनों हमेशा मेरे इंडियन आइडल रहेंगे, बहुत आगे तक जाएंगे। पवन लाइव आते हैं और वीडियो में कहते हैं कि हमारा नया गाना जिसका नाम है तुमसे मिलूं मैं रिलीज होने वाला है, मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा फैंस इसे देखें, सुने और बताएं कि आप सबको इनका नया गाना कैसा लगा। वही वीडियो में पवन अरू स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करते दिखे, टीम के लोगों के साथ बातें करते दिखे, टाइम स्पेंड करते दिखे। अब ये दोनों एक्टिंग कब करेंगे इसका तो पता नहीं, लेकिन एक साथ रिकॉर्डिंग करते हुए इनका वीडियो बहुत जल्द आप देखने वाले हैं। फैंस को इंतजार है जब ये दोनों एक साथ एक्टिंग करेंगे। पहले आपको क्या लगता है, क्या पवन अरू के पेरेंट्स इन्हें एक साथ एक्टिंग करने की इजाजत दे देंगे? पवनदीप और अनीता एक दूसरे के बारे में बहुत कम बातें करते हैं कि कहीं उनकी ऐसी वैसी बात पकड़ ना ली जाए और फिर लोग इनके लिंकअप की खबरें बनाने लगे। ये हुनर भी पवन अरू में कमाल का है। इंटरव्यू में भी ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखने से भी डरते हैं ताकि बवाल न मच जाए, लेकिन इनके ही टीम के कंटेस्टेंट ने पवन अरू के बारे में ऐसी पोल खोल दी है कि आप भी सुनकर हंसने लगेंगे और सोचेंगे कि आखिर इनका रिश्ता है क्या। दरअसल हुआ ये कि पवन अरू के साथ सुपरस्टार सिंगर 2 के इन छोटे छोटे उस्तादों का भी इंटरव्यू कभी कभी लिया जाता है। अब खून नया है और जोश भी नया ही होगा और ये नया जोश आने वाले कल के लिए एक नई मिसाल पेश करेगा। अगर इनका जोश ऐसे ही बरकरार रहा तो सुपरस्टार सिंगर 2 के धुरंधरों में ये जोश खूब देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं इनके पीछे पवन अरुणता का भी पूरा पूरा साथ है, इनका पूरा सपोर्ट मिलता है और सभी बच्चे पवन अरू को अच्छी तरह से जान चुके हैं, पहचान चुके हैं और इनके साथ पूरा पूरा दिन मस्ती करते हैं। अब ये छोटे जरूर हैं लेकिन इन्हें वो बातें पता हैं जो शायद पवन अरू ने अब तक किसी के सामने नहीं रखी थी। जी हाँ, इंटरव्यू में बच्चों ने पवन अरू के रिश्ते का खुलासा कर दिया है। दरअसल सभी बच्चे एक साथ हंस खेल रहे थे तभी पवन की कंटेस्टेंट शायशा कहती है कि मैं पवन भैया से बहुत नाराज हूँ। उनकी टीम का एक और कंटेस्टेंट कहता है कि मैं भी पवन भैया से नाराज हूँ। तब पवन पूछते हैं कि क्यों भाई, मैंने क्या किया, तुम लोग क्यों मुझसे नाराज हो? तो शायशा कहती है कि कल आपने अरुणिता दीदी के साथ दोस्ती वाला गाना गाया था, क्या मैं आपका दोस्त नहीं हूँ? हम आपके कोई नहीं लगते, तो फिर आपने हमारी टीम के साथ क्यों नहीं गाना गाया? क्या आप अरुणिता दीदी के साथ ही रहते हैं? क्या आपको अरुणिता दीदी की आदत है हमसे प्यार नहीं करते हैं? सब प्यार अरुणिता दीदी को ही देंगे। अब इतनी बातें सुनकर पवन दीप तो जोर जोर से हंसने लगते हैं, बच्चे भी हंसने लगते हैं। वेल, ये तो आप समझ ही गए हैं कि पूरा मामला क्या है। भाई आपको बता दें, ये तो छोटे बच्चे हैं और इन्हें अभी इंटरव्यू फेस करने की आदत भी नहीं है कि कौन सी बातें करनी है और कौन सी बातें नहीं करनी है। इन्हें जो मन में आता ये बोल रहते हैं। वेल, आप सुपरस्टार सिंगर 2 की टीम और पवन अरू के लिए क्या बोलना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।